एक बड़ा खुलासा होने वाला है। खुलासा ऐसा जो कांग्रेस युवा सरकार करने वाली है। कांग्रेस युवा जो प्रदर्शन था, यही कहा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इतना बड़ा खुलासा बीजेपी के खिलाफ। क्या खुलासा है पूरी बात हम जानते ही नहीं। सचिन मनोज टाकमाई, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस हरियाणा और इंचार्ज हूं मैं जिला सिरसा का। जी रोहित राडा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस हिसार। जी दिनेश पुनिया, महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस, प्रभारी भिवानी जिले का। जी मनोज भाई, आपकी शुरुआत करूंगा मैं। आज आपने प्रेस वार्ता रखी हुई थी जिसमें एक बड़ा खुलासा किया, तो वो क्या खुलासा है तफ्तीश से बताइए। दो बड़े मुद्दे आपने उठाए थे, बेरोजगारी का और कोरोना का, तो उसमें क्या ऐसे आंकड़े निकल करके आए? आपने सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाए कि सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं, तो वो कौन से आंकड़े छुपाए हैं पब्लिक जानना चाहती है। खुलासा, जो खुलासे की बात की आपने, खुलासा तो कल WHO ने किया है। हम तो सिर्फ आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस भाजपा सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को झूठ बोलने का काम किया है। जो आंकड़ा हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दिया, इस देश को बताया लोकसभा में, राज्यसभा में, कि हमारे देश में कोरोना काल के दौरान 470,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसी की पोल कल WHO ने खोली। और आप सबको पता है कि WHO का जो है अपने मुख्यालय वो जिनोवा में है, और जिनोवा अपने यूरोप में है। कल परसों मोदी जी यूरोप की यात्रा पे थे, और इधर से वो यूरोप की यात्रा पे थे, और इधर से WHO ने इनकी पोल खोल दी कि पूरे भारत में 47 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और सरकार की ये देखो जी, ये देखिए आंकड़े गलत कह रही है। साफ साफ लाइव तस्वीरें हैं यहाँ पर कि आंकड़ा गलत, जो एक खास मुद्दा है आंकड़ा गलत। ये देखिए मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाऊंगा, बेरोजगारी पे आंकड़ा है, ये देखिए आप। इसको भी सरकार कहती है, ये जो हमारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग मीडिया इकोनॉमी की जो है CMIE की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 34.5 है, वह पूरे भारत में 7.83 है। इसको भी ये रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। और जो WHO जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके चेयरमैन हमारे भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी 2020 में बने थे, उसकी रिपोर्ट को भी ये गलत बता रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से इस सरकार को कि यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट से कि ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार है, यू कांट से बेरोजगारी के लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार है। आप जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते सरकार। यू कांट से कि महंगाई के लिए राज्य की सरकारें, आप पेट्रोल पे 70% टैक्स ले रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि राज्य की सरकारें जिम्मेदार है। अब इन मौतों के लिए कौन सी जिम्मेदार है सरकार, वो हमें बताएं, और इस जनता से माफी मांगे और दोबारा से सर्वे करवाए, दोबारा से राज्यों से रिपोर्ट ले। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों से रिपोर्ट ले, जहाँ कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र राजस्थान, अगर वहाँ की रिपोर्टें गलत है तो उनसे भी डाटा दोबारा मंगवाए और कंपनसेशन दे 4 लाख 5 लाख जो भी इन्होंने वादा किया था। इसका मतलब मनोज जी, जो आंकड़े थे, जो डेटा था, उसमें गड़बड़ी पाई गई है, मौतें ज्यादा हुई थी, आंकड़ा छुपाया गया है, कहीं मतलब सरकार की जो है तोहीन ना हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है? सरकार ने आंकड़ा छुपाया ये तो जग जाहिर हो चुका है। हमारे पास तो देखो इतने बड़े ना तो कोई सोर्सेज कि हम पूरे देश की आंकड़े आपके सामने रख दें, या ये तो आज के अखबार की कटिंग है, पहले पेज की कटिंग है, WHO की प्रमाणित जो संस्था है उसकी रिपोर्ट है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सरकार झूठी है शुरू से ही, इन्होंने समय समय पे लोगों को झूठ बोलने का काम। आप विपक्ष पार्टी में शायद इसलिए बात कर रहे हैं। WHO तो विपक्ष में नहीं है, WHO तो पूरे विश्व की संस्था है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, उस पर तो विश्वास करती है। सर आपने एक बेरोजगारी का यहाँ पर्चा लिया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार तो बहुत मिल रहे, बीजेपी तो बहुत रोजगार दे रही। ऐसा है देखो, इस सरकार के जो कार्यकाल है, इन्होंने अब आपको मैं बताऊँ कौशल विकास निगम के नाम से एक नया लॉन्च किया है। उसमें क्या है, PhD वाले, MSc वाले जो साथी हैं वो मंत्रियों के पास चक्कर काटते हैं, जी हमारा भी करवा दो यहाँ 15-20 हज़ार की नौकरी हमारी भी लग जाएगी। जब 50,000 शिक्षकों के पद खाली है पूरे हरियाणा में, तो ये लोग पक्की भर्ती क्यों नहीं लेते? एस्टेट वालों के एस्टेट एक्सपायर हो रहे हैं, यानी 5 साल या 8 साल उनकी लिमिट जो रहती है वो एक्सपायर हो रहे हैं, लोगों पे
डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आपने देखा वो एक साथी था एवरेज हो गया 21 साल में सेना की भर्ती की एज होती है, वो 23 का हो गया, वो बेचारा कर गया और करे क्या जी। मैं बेरोजगारी पे रोहित जी से सवाल पूछना चाहूंगा। रोहित जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकोड़े भी तल सकते हैं, रोजगार होता है वो भी पकोड़े तलना। आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था लघु सचिवालय के सामने, और अभी रिसेंटली सुनीता दुग्गल जो एमपी हैं सिरसा से, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि आप पैसा कमाएं, आप जो है चाहे 2,000-3,000 कितना ही सिलेंडर हो जाए, अगर आप गोसे में पोते हैं यानी उपलों पे अगर पोते हैं तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर उपलों से आप रोटी पोते हैं चूल्हे पे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, चाहे 3,000 हो जाए सिलेंडर। तो आप किस तरह से स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिरसा की हमारी एमपी ने जो ये इतना शर्मनाक, जो उनको पद को भी शर्मसार करता है जो ऐसा बयान उन्होंने दिया, उसके खिलाफ सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने वहाँ पर आवाज़ उठाई। वहाँ के प्रभारी हमारे मनोज टाक भाई हैं जिन्होंने वहाँ पहुँचकर पूरे सिरसा के अंदर एक प्रदर्शन करके लोगों को अवेयर किया कि भाई आपके सांसद द्वारा मतलब आपकी कितनी इज्जत की जा रही है, कि भाई क्या उन्होंने बेतुका बयान दिया है, क्यों ये लोगों को पागल बना रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी पकौड़े तलने वाले, तो मैं आपको बताता हूँ, यूथ कांग्रेस द्वारा आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले हिसार के कोर्ट मिनी सेक्रेटरेट के बाहर एक प्रदर्शन किया गया था, पकोड़े की रेडी लगाई गई थी। उसमें हमारा एक ही मैसेज था, हम उसमें 4-5 जने मिलकर हमने जो किया था वो प्रदर्शन, मनोज भाई भी उसमें शामिल थे। उस समय हम बाजार में गए सामान लेने, जैसे सब्जियां वगैरह होती है, तेल होता है, गैस का सिलेंडर है, हमने 2,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे हमने 4-5 जनों ने। सब्जियां है, गैस का सिलेंडर है, और जो बेसन है, कोई जो सामान है उसकी सामग्री है, मिर्च वगैरह है, जो भी है, 2,000 रुपये के अंदर हमारा वो सामान नहीं आया। तो कहना सरसों का तेल, सरसों का तेल है, आज आप खुद देख लो, 250 रुपये पार है। कि जो पकोड़े तलने के लिए जो सामान लेने भी गए थे वो भी इतना महंगा हो गया था कि सोचने पर मजबूर हो गए थे। खुद इन्होंने जो प्रदर्शन किया था कि किस प्रकार से सामान को खरीदे और कैसे पकड़ते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो बेरोजगारी के कारण बच्चा नहीं मरता? ऐसा है जी, कांग्रेस की सरकार में तो आप आज से 2014 से पहले के आप आंकड़े उठाओ, हमारे जितनी बेरोजगारी की दर जो इस सरकार ने बढ़ाई है हरियाणा में, मैं तो यूँ कहूँगा, मैं क्यों कांग्रेस कहेगी ये बात कि भाई ये सरकार की एक उनकी जो सोच है उसके हिसाब से ये उनकी उपलब्धि है, परंतु ये लोगों के लिए बहुत दुखदाई है कि भाई हरियाणा बेरोजगारी में लगातार नंबर वन आने लग रहा है। 3-4 बार रिपोर्ट आ चुकी है, उनमें तीनों चारों बार हर बार हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन आया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं रद्द हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप भी युवा, उन मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज तो ऐसा है जी, आज की जो सरकार है इससे हमें ना तो कभी पहले उम्मीद थी ना कभी आगे उम्मीद है। जो युवा तैयारियां करते हैं, जो अपने मतलब भविष्य को लेकर करते हैं, अब जो एक भाई ने जो सुसाइड किया था उसके ऊपर हमारे डिप्टी सीएम का बहुत ही, मैं तो उनका, उन्होंने अपने पद को शर्मनाक करने वाला ऐसा बयान दिया था कि भाई अगर उसकी सेना में भर्ती नहीं हुई, अगर उसका नहीं नंबर लगा तो उसको दूसरी फील्ड में जाना चाहिए था। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? मैं तो युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस सरकार में पिछले 8 सालों में जिस सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसके हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ रोजगार हो गए, कहाँ गए वो रोजगार। इस सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, और निजीकरण की तरफ जो बढ़ रहा है मामला उसका आप डट के विरोध करो। सर, बीजेपी सरकार ने जो है आंकड़े गलत दे दिए, इतनी बड़ी नौबत आ गई, क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार शुरू से ही फर्जी आंकड़ों पे चल रही है, चाहे किसी भी चीज़ के आंकड़े लो। अब जो ताजे आंकड़े आए हैं वो WHO के आंकड़े आए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाएं देखता है, जिसके
चेयरमैन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो बीजेपी से थे, वो भी जिसके चेयरमैन रहे हैं 2020 से 2021 के बीच में, और उसी संस्था ने ये आंकड़े पेश किए हैं और आज मोदी सरकार उन्हीं के आंकड़ों को जुटला रही है। और ये हमने गंगा मैया में तैरती हुई लाशें भी देखी थी, उनको भी इन्होंने जुटला दिया था कि ये लाशें कोरोना की मौतों वाली नहीं है, ये नॉर्मल मौत से जो मौत हुई है लोगों की वो लोग प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आज WHO ने खांसी जुकाम होने के कारण भी कोरोना घोषित करे थे, कहाँ तक वो सही लगा आप? जो रिपोर्ट है, ये बात भी आपकी सही है, इन्होंने रिपोर्ट में भी खेल किया है। जो बड़े मतलब पहुंच वाले व्यक्ति थे उनके जो पॉजिटिव भी आ जाते थे उनकी रिपोर्ट को भी इन्होंने नेगेटिव दिखा देते थे। एक RT-PCR की रिपोर्ट 48 घंटे में आती थी, लेकिन ये 2 घंटे में रिपोर्ट, एक आपने देखा भी होगा अर्बन स्टेट का एक मामला था जिसका सरकारी जो आंकड़े आए थे, मतलब RT-PCR की जो रिपोर्ट आई थी उसमें वो पॉजिटिव मिला था, उसने फिर 2 घंटे में ही प्राइवेट लैब की रिपोर्ट ला के वो नेगेटिव घोषित हुआ था। तो मतलब सरकार ने फर्जी आंकड़े देख रहे हैं। हो सकता है कि मोदी जी भी आपको लाइव देख रहे हो, क्या बोलेंगे आप? मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये झूठे जो आंकड़े हैं इनकी जादूगरी छोड़ के देश की जनता को सही दिशा में लेके जाइए। देश को सही दिशा की आवश्यकता है, आपके फर्जी आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है।